हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में। हम हरियाणा ग्रुप डी पर आई नई अपडेट पर बात करेंगे कि अभी अभी एचएसएसएससी की वेबसाइट पर एक नोटिस आया है जिसमें ग्रुप डी भर्ती को लेकर अपडेट दी गई है। इसमें नोटिस में यह बताया गया है कि हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के फॉर्म में यदि आप कोई जानकारी अपडेट करना चाहते हो तो इस नोटिस में दी गई डेट तक अपडेट कर सकते हैं। इसमें आगे यह बताया है कि भारी बारिश और इंटरनेट समस्या के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार ग्रुप डी पदों के पंजीकरण के लिए अपनी फीस जमा पुष्टि नहीं कर पाए, इसलिए आयोग ने ग्रुप डी पदों के पंजीकरण के लिए अपनी फीस जमा करने पुष्टि करने का एक और मौका 20 जुलाई 2023 रात 11:59 तक देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आवेदकों ने आवेदन पत्र भरते समय की गई गलतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने आवेदन पत्र में किसी भी विवरण जानकारी को सही करने के लिए संपादित करने का अवसर देने की मांग की है। अब इसीलिए उम्मीदवारों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उनके आवेदन पत्र में संपादन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। इसीलिए कोई उम्मीदवार आवेदन पत्र के संबंध में किसी विशेष जानकारी को संपादित करना चाहता है तो उसे 15 जुलाई 2023 से 20 जुलाई 2023 तक रात 11:59 तक निर्दिष्ट पोर्टल पर अपने आवेदन पत्र को संपादित करने का अवसर दिया जाता है। उसके बाद लिंक अक्षम हो जाएगा। आवेदन पत्र में संपादित करने के लिए इस विकल्प का चयन करने के बाद उसका पहले भरा हुआ आवेदन पत्र वापस ले लिया जाएगा और सभी दावों के लिए यह माना जाएगा कि आवेदन उम्मीदवार द्वारा स्वेच्छा से वापस ले लिया गया और उसे सहायक दस्तावेजों के साथ नया आवेदन पत्र जमा करना होगा और नए आवेदन पर विचार किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नोटिस किसी भी व्यक्ति को नए सिरे से आवेदन करने का अधिकार यह केवल उन आवेदकों के लिए है जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है और सफलतापूर्वक अपना आवेदन जमा कर दिया है। इस संपादन शुल्क जमा करने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि अब कोई नया उम्मीदवार इस फॉर्म को भर नहीं सकता। जिनका पहले से फॉर्म भरा हुआ है वे ही कोई नई जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।